वारंटी है फ्रेंड्स वो 2+2 वारंटी, 2 साल गारंटी 2 साल वारंटी। वोल्टेज ये भी इंक्रीज हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे हॉर्नेट के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये मेरा हॉर्नेट है, 2017 का मॉडल है और इसका मैं आज नया बैटरी चेंज करने वाला हूँ। इसके अंदर जो है करंट बैटरी है जो एक्साइड ब्लैक कलर में आता है। आप नॉर्मली नया बैटरी लोगे शॉप से तो वो रेड कलर में आता है, लेकिन जब आप शोरूम से गाड़ी लेते हो तो जो करंट बैटरी होती है एक्साइड में वो ब्लैक कलर की आती है। जब मैं आप ओपन करूँगा तो आपको वो दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरी गाड़ी जो है 2017 का मॉडल है मार्च का, और अभी चालू है 2022 नवंबर, और मेरा जो बैटरी का प्रॉब्लम दे रहा है वो 5-6 महीने पहले से दे रहा है। मीन्स आप 2022 मार्च को पकड़ोगे तो मेरी गाड़ी को जो है 5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, और जो मेरी बैटरी है उसको भी 5 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। इट मीन्स मेरा जो बैटरी जो है 5 साल चल गया, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो है कीक है, और जब मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करता हूँ तब मैं कीक पे ही स्टार्ट करता हूँ। और ये देखो ये मेरे गाड़ी में कुछ प्रेशर हॉर्न्स है, ये वो मिंडा के हैं जो बुलेट में आते, और ये मिंडा के हैं जो स्कोडा टाइप में आते। तो फ्रेंड्स ये जो हॉर्न्स है ये जैसे मैंने बाइक शोरूम से लिया था, बाइक को घर लाके पूजा होने के बाद फटक से मैं गैरेज में जाके ये हॉर्न जो है इंस्टॉल कर लिए, तब से लेके आज तक मैं हॉर्न यूज़ कर रहा हूँ। इट मीन जो बैटरी जो है वो बहुत सही चला। अभी भी मुझे बैटरी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे अभी हॉर्न अपग्रेड करना है और थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने हैं, इसीलिए मैं बैटरी को चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा बाइक स्टार्ट होने के बाद मेरा हॉर्न वगैरह वो सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बस सेल्फ में ही इशू आ रहा है। 5-6 महीने पहले सेल्फ में इशू आता था, लेकिन सेल्फ चलता था, ये जो डिस्प्ले जो है पूरा ब्लैंक होता था और गाड़ी स्टार्ट होती थी। लेकिन अभी जो है सेल्फ पूरा डेड हो चुका है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो सेल्फ मोटर का थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है। अगर आपकी बाइक में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया तो सेल्फ को बार बार मत प्रेस करना, बैटरी की वजह से सेल्फ मोटर ख़राब हो सकती है। क्योंकि ये डीसी होता है तो डीसी में हाई करंट होता है, वायरिंग पे लोड आता है और वो जो कार्बन और वो जो मोटर है वो जल सकती है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि बैटरी को कैसे चेक करते हैं, कंफर्म करते कि बैटरी ख़राब हो चुका है। मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता, मल्टीमीटर जो है जहाँ से मैं बैटरी डालने वाला हूँ उनके पास है। तो फ्रेंड्स मैं शॉप पर जाने से पहले ये पैनल को ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि इसका पैनल है वो इजीली ओपन नहीं होता। यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक प्लास्टिक का लॉक होता है और यहाँ पे प्लास्टिक का लॉक होता है। वो ओपन होने के बाद इसके अंदर से इंटरनल लॉकिंग्स होते हैं और यहाँ पे 2 लॉकिंग्स होते हैं। वो ओपन होने के बाद ये पैनल इजीली ओपन हो जाता है। अगर आपके पास हॉर्नेट है और आपको नहीं पता इसको कैसे ओपन करते तो आपके नज़दीकी गैरेज वाले के पास जाके आप ये ओपन कर लेना, क्योंकि बैटरी वाले को भी ये ओपन करने होता नहीं है। मेरे पास हंग के करिश्मा है, उनका नॉर्मली 3 स्क्रू ओपन होने के बाद पैनल इतना ही होता है वो ओपन हो जाता है, इसका ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं इसको पहले ही ओपन करके मैं शॉप पे जाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको बैटरी का अमाउंट भी बताऊँगा मुझे कितने में मिला है। आपके सिटी में आपके स्टेट में प्राइस आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए फिर सीधा चलते हैं बैटरी के शॉप पर। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं अभी शॉप पर आ चुका हूँ, और ये देखो पुराने बैटरी को मैंने मल्टीमीटर लगाया हुआ है, और ये जो उसका वोल्टेज दिखा रहा है देखो 12.31 दिखा रहा है। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ सेल्फ दब, ये देखो बस फ्रेंड्स आपने देखा वोल्टेज सीधा ड्रॉप हो गया। इट मीन्स ये जो बैटरी है ये पूरा वीक हो चुका है। आपने देखा वोल्टेज जो है पूरा 5 से 8 तक ड्रॉप हो गया था, 5 to 8 वोल्टेज, ये देखो। अभी मैं बैटरी को खोलने के लिए देखो इसका नेगेटिव यहाँ पे है और पॉजिटिव इसके ऊपर है, उसको मैं अभी खोल लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने न्यू बैटरी को भी लगा दिया, और ये देखो मेरा ये ओल्ड बैटरी। और फ्रेंड्स ये जो मेरा बैटरी है ये जब बाइक बाय किया था ये तभी का बैटरी है। तो अभी आपको मैं इसको मल्टीमीटर कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कितना वोल्टेज शो हो रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने अभी मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है, और ये देखो इसका वोल्टेज दिखा रहा है 12.78। आता मार सेल्फ मार, ये देखो फ्रेंड्स बाइक स्टार्ट हो गई है, और आपने देखा वोल्टेज कितना, एक ही वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इससे ही फाइंड आउट होता है कि आपका बैटरी ओके है कि वीक है। और ये देखो फ्रेंड्स इसका वोल्टेज भी इंक्रीज हो गया है, ये देखो 14-13 हो रहा है। इट मीन्स इसके अंदर का जो चार्जर है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी फ्रेंड्स मैं घर पे जाके ये पैनल वगैरह लगा के आपको मैं फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं अभी घर पर आ चुका हूँ, और ये पैनल वगैरह सब मैं लगा दिया है,
ये देखो अभी मैंने टाइम भी सेट कर लिया है और फ्रेंड्स हॉर्नेट का एक अच्छा है, बैटरी निकलने के बाद भी ये देखो ट्रिप मीटर रिसेट नहीं हुआ है, जितना है मेरे उतने ही है। ये देखो ये तो मेरे करिश्मा का, फिर मेरे कार का, जैसे बैटरी माइनर भी निकाला तो भी पूरा टाइम ट्रिप मीटर सब जीरो हो जाता है। ये देखो मैं आपको भी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो डिस्प्ले देखो कॉन्स्टेंट है, नहीं तो जैसे से फिर बैटरी जब वीक हो गया था ये डिस्प्ले पूरा बंद होता था और गाड़ी स्टार्ट होता था, और अब भी एकदम सेल्फी पूरा ख़त्म हो गया था। ये देखो आपको मैं एक बार हॉर्न भी बजा के दिखा दूँ। ये देखो ये स्विच है हॉर्न का, इस पर अभी बजेगा स्कोडा वाला। ये देखो और ये देखो अभी ये बंद कंडीशन में बज रहे, जब बैटरी वीक हो गया था तो बाइक रनिंग में बजते थे बट इतने भी फ्री नहीं बजते थे जैसे ओरिजिनल साउंड आना चाहिए। और अभी बात करते प्राइस की, तो फ्रेंड मुझे जो बैटरी मिला है वो 1200 में मिला है, बैटरी जो था 1400 का था और पुराना बैटरी का मेरा 200 रुपये माइनस हुआ। वो फ्रेंड्स नॉर्मली पुराना बैटरी सभी लोग रिटर्न लेते ही है, बैटरी वाले वो रिसाइकल में जाता है और फिर वो रिफिल होके फिर से बैटरी नया बन के आता है। जब मैंने कार का नया बैटरी लिया था उसका भी कुछ 500 के 1000 रुपये माइनस किया था। करिश्मा का जो बैटरी लिया था मैंने उसमें 100 रुपये माइनस किया था, हंग का लिया था उसमें 100 रुपये माइनस किया था, इसमें 200 रुपये माइनस किया, पता नहीं क्यों। तो बैटरी जो है मुझे काफ़ी बढ़िया मिला और जो उसका वारंटी है फ्रेंड्स वो 2+2 वारंटी है, मीन्स 2 साल गारंटी 2 साल वारंटी। अभी देखते 4 से 4.5 साल कोई टेंशन नहीं, अगर बीच में ख़राब हो गया तो वारंटी में रिप्लेस हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।